सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ड में। तो मैं फिर से आज रोज का एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाले वॉइस ओवर फ्लावर कोरियन ड्रामे के बारे में। ये ड्रामा कैसा है, आपको इस ड्रामे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको एंड तक देखना, पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो अगर बात कीजिए इस ड्रामे के बेसिक्स के बारे में, ड्रामे को 7.6 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और एक हाई स्कूल कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसके अंदर आपको टोटल 25 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 5 मिनट की रखी गई है। सो अब बात करते हैं इस ड्रामे में स्टोरी की। तो इस ड्रामे में आपको स्टोरी देखने को मिलता है एक लड़के जिसका नाम होता है गियम चांदी। चांदी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जो कि एक ड्राई क्लीनिंग शॉप में वर्क करती है। अब एक दिन उसकी एडमिशन लकीली कहो या फिर एक्सीडेंटली कहो, कोरिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी हाई स्कूल में हो जाती है जिसका नाम होता है शिनवा हाई स्कूल। अब वहाँ पे जाने के बाद उसकी टक्कर एक अमीर लड़कों के ग्रुप से होता है जिसका नाम होता है F4। अब जैसे कि हर एक हाई स्कूल ड्रामे में होता है उसी तरह से, मतलब इससे भी बुली किया जाता है उन सभी के द्वारा। अब किस तरह से जो जानती है, मतलब स्ट्रांगली सभी से फाइट करती है और किस तरह से उस ग्रुप के सबसे अमीर लौंडा उसके प्यार में पड़ जाता है और इसके बाद जो भी चीज़ें होती है, जो भी उसे फेस करना पड़ता है, जो सारे प्रॉब्लम उसे झेलनी पड़ती है, इन सभी चीज़ों की वजह से यही सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखना पड़ता है। ओके तो आप बात कर लेते हैं इस ड्रामे के बारे में। तो मैंने इसको पहले ही देख रखा है और इसको मैंने देखा MX प्ले पे सिर्फ इसकी डबिंग की वजह से। तो MX प्ले की डबिंग कैसी होती है आपको पता ही है, तो कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे ही डबिंग है जैसे हर एक ड्रामे की होती है। ड्रामा काफ़ी ओल्ड है और बहुत सारे लोगों ने इसको देख भी रखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि इसकी जो कुछ एपिसोड है वो फ्री है तो कुछ गोल्ड में, यानी कि उसको देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट भी रहा है लेकिन उस टाइम में यदि ये आती तो मतलब उतना खास नहीं चल पाती। ना तो ड्रामे के BGM स्ट्रॉन्ग है और ना ही ड्रामे के सिनेमेटोग्राफी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको एक हाई स्कूल पे बेस्ड बनी ड्रामा देखना पसंद है तो ये ड्रामा आपको कनेक्ट करेगी, लेकिन इसकी डबिंग जो है मतलब बोर करेगा आपको। ड्रामे के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा रोमांस देखने को मिल जाती है और अच्छी खासी आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलती है जो कि ड्रामे के प्लस पॉइंट है आपको कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने इस ड्रामे को नहीं देखा है तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन आप एक प्रो व्यूअर्स है और आपने इस तरह के ड्रामे देखा है या फिर इसको देखा है तो आप दोबारा चाहते हो इसको देखना तो नहीं देख पाओगे क्योंकि इसकी डबिंग ही आपको इतना ज़्यादा बोर कर देगी कि आप देख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को मैंने सिर्फ डबिंग के वजह से बनाया है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं क्योंकि आप लोगों ने जरूर इस ड्रामे को देख रखा होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा इस तरह के ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।